पत्रकार हो या कोई अधिकारी हो, अगर उसको परेशान करने की कोशिश करेंगे तो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। मद्रास के मदुरई बेंच में हमने पिटीशन फाइल करी अपने, ये आप ऐसे सूट कर रहे हैं और मैं एग्री नहीं करूंगा। आपको वो 10 बार करेंगे कब आ रहे हो सर, ले लो एडमिशन। हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर मैं आया हूं अभी दिल्ली के कनॉट प्लेस में, यहां पर CMACT करने के लिए, जो मैंने आपको कॉलेज बताया था SCTM। और बहुत लोगों को, स्टूडेंट्स को परेशानी आ रही थी, तो मुझे लगा कि मैं खुद जाकर देखता हूं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और बात करेंगे यहां पे अपन। तो मैं भी सुबह सुबह आ गया हूं यहां पर और चलते हैं बात करते हैं जो यहां के कंसर्न पर्सन है कि भाई स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, CMACT करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत यूनिक वीडियो होने वाला है, चलते हैं। और यहाँ पे कौन है तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको हर चीज दिखाई जाए। ठीक है, वो जो भी डाउट्स हैं आप लोगों के वो सारे मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यहाँ के जो कंसर्न पर्सन है, जो सर है, उनसे अपन बात करेंगे, सारे क्वेश्चन पूछने वाला होगा। आपसे पूछना चाह रहे सर, और कुछ चीजें हैं जी प्लीज, कॉलेज जी उससे संबंधित कुछ चीजें जो स्टूडेंट्स को परेशानी आ रही है जी, जी उस बारे में आपसे चर्चा करने के लिए जरूर। ठीक, बस आते हैं यहाँ पर जी, उनके बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत कंफ्यूजन रहता है उनके जी, तो वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये चीज क्या है, सच्चाई क्या है इसमें, क्यों परेशान हो रहे हैं आप, ठीक है? आप तो बिल्कुल पूछे, और बट आपने बोला कि परेशान हो रहे हैं स्टूडेंट। हाँ, तो आप क्या SCTM के पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं या किसी और की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं, मेरे लिए, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हमारा अगर कोई स्टूडेंट परेशान हो जाए, और वो हमारे, हम समझते हैं कि ऑब्लिगेशन है कि हमारा स्टूडेंट परेशान ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारा स्टूडेंट कोई कहीं पे भी ऐसा हो जाए कि उसके साथ किसी तरह की कोई परेशानी आए, कोई अथॉरिटी परेशान करे, कोई पत्रकार परेशान करे या बाकी के लोग परेशान करे। दिस आई कैन गिव यू गारंटी, हमारे किसी के साथ नहीं हो सकता है। सो हमारे स्टूडेंट को परेशानी नहीं हो सकती है। हाँ, यस, आप ये कह सकते हैं कि आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं जो CMACT करा रहे हैं, लोगों को कंफ्यूजन है कि मैं करूं तो कहां से करूं, दैट यू कैन से। हाँ, यस, मैं जानना चाहता हूं जी कि ये क्वेश्चन मैं बाद में करने वाला था, लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि लोग CMACT कर रहे हैं, उनको सियोरिटी नहीं कि हम करें या ना करें, करने के बाद उनके ऊपर क्लिनिक के ऊपर रेट पड़ जाती है। ठीक है, करें तो इसका बड़ा कंफ्यूजन है, और जिन्होंने आपके तरफ से किया है तो उनके भी डिमांड की शिकायत रही है कि क्या करें इस चीज से बचने के, क्योंकि रेट पड़ रही है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल्स हो सकते हैं। सही, तो एक चीज समझ रहे हैं, ये सबसे मैं आपकी बात, CMACT ये लीगल है या नहीं? बिल्कुल, एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आप अगर देखेंगे कि किसी भी तरह का किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगा, कोई रेड पड़ी, रेड पड़ने के बाद क्या होगा, वो मैटर कोर्ट में जाएगा और कोर्ट मेरिट के बेस पे डिसाइड करता है, राइट? तो आप अगर ये देखेंगे कि किसी को पनिशमेंट मिल रहा है कोर्ट के द्वारा, तो ऐसे भी लोग हैं जो कोर्ट के द्वारा बरी किए जा रहे हैं। तो हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर फिर एक ही कोर्ट, एक ही जुडिशियरी एक पर्सन को बरी कर रहा है और एक पर्सन को कन्विक्ट कर रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है, इसका पीछे रीजन है कि पर्सन के साथ जो पेपर है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स अगर गलत है तो कैसे कोर्ट मदद करेगा, कोई और कैसे मदद करेगा, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, सो अभी आपने बोला कि मुझे रसगुल्ला खाना है, तो दोनों तरह के रसगुल्ले हैं, आपको ब्रांड के रसगुल्ले 50 रुपए में मिल रहे हैं, आपको नकली रसगुल्ला मिल रहा है वो 5 रुपए या 2 रुपए का मिल रहा है, तो आप जाके नकली खरीद रहे हो और फिर बाद में बोल रहे हो कि मैंने रसगुल्ला खाया तो मेरे पेट में प्रॉब्लम हुई। नहीं सर, आपने नकली रसगुल्ला खाया तो पेट में प्रॉब्लम हुई, राइट? तो इसलिए हमारे लिए एक बड़ी बात दोबारा मैं बोलूंगा, एम्फेसाइज करूंगा, SCTM अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, अपनी ऑब्लिगेशन समझता है अपने स्टूडेंट के लिए। एंड अगर मैं ये बात बोल रहा हूं कि मैं, हम अपने स्टूडेंट के लिए समझते हैं, इट डजंट मीन बाकी लोगों के लिए नहीं, पूरी कम्युनिटी हमारी है, जो लोग भी प्रैक्टिशनर्स हैं हम ध्यान रखते हैं इस बात का कि हम जो मदद दे सकते हैं उनको दें, बट अगेन हमारे स्टूडेंट हमारे लिए रेस्पॉन्सिबल, इसलिए डरे रहते हैं कि हम CMACT करें या ना करें, क्योंकि आधी नॉलेज फैलाई जाती है कि लीगल है नहीं लीगल है, क्योंकि रेट पड़ती रहती है, क्लिनिक बंद हो जाती है। अब एक चीज को समझना होगा, एक चीज को समझना होगा, हमारे इंडिया के अंदर इतने सारे MBBS है नहीं कि पूरे पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था को वो संभाल सके, एक सबसे बड़ी बात है। किसी गांव में किसी के साथ कोई वाटरी डायरिया हुआ किसी पर्सन को, इमीडिएट उसको रिलीफ चाहिए,
उसको हॉस्पिटल में बोल देंगे बड़े हॉस्पिटल में जाना है, उसको 2 घंटे लगेंगे, तब तक बेचारा मर जाएगा। सो उसको अगर बड़े हॉस्पिटल में भेजना है तो उसको जिंदा भेजना है। तो हमारे लिए हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं जो उसको कम से कम इस लायक रखें कि वो उसको जिंदा भेज दें। क्वेश्चन ये है कि क्या आप उसके लिए सर्टिफाइड हैं या नहीं है। इसीलिए दैट इज वाई हम अपने स्टूडेंट्स को जब हमारे यहाँ से कोर्स कंप्लीट करते हैं हम उनसे एप्लीकेशन लेते हैं और उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिलाते हैं। अगर एक बार नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया उनको दे दिया तो किसी के मजा ही नहीं, उनका कोई कुछ बिगाड़ देगा। सीएमएससी भी करने के बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मस्ट है, यस यू मस्ट टेक। सबसे बड़ी आपसे मैं पूछता हूँ, अब किसी ने कहा कि मैंने तो फार्मेसी कर लिया, मेरे पास फार्मेसी का सर्टिफिकेट है, तो फार्मेसी का सर्टिफिकेट है डजंट मीन कि आप अपनी दुकान खोलोगे। आपके पास ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से उसके ऑफिस से आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। आप बोलते हो मैं सीएमएस एंट्री होल्डर हूँ, ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बहुत सारे गरीब लोग हैं जो लोग एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, आप एक समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, किसी को ओटीसी ड्रग पता ही नहीं है, इलिटरेट लोग हैं। आपने एक ओटीसी ड्रग अगर किसी को देके और किसी को क्योर कर दिया, उसको कम पैसे में काम हो गए, वेयर इज द प्रॉब्लम। आप एक डॉक्टर नहीं है, आप एक एमबीबीएस नहीं है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आप एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे यहाँ से स्टूडेंट ने किया है, हमने गवर्नमेंट को अपनी हेल्प करी, अपने स्टूडेंट्स को भेजा है। केदारनाथ में प्रॉब्लम हुई, फ्लड की सिचुएशन है, हमारे स्टूडेंट्स गए, केरला के अंदर हमारे स्टूडेंट्स गए और वहां पे पार्टिसिपेट किया। सही है कि ये जरूरी है और इंडिया के अंदर इतने एमबीबीएस नहीं है लेकिन स्टेट लेवल पे होता है। सी मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मैं जो पहुंच जाता है उसको हफ्ता दो अलग चलता रहता है। सी मैं कहता हूँ, मैं पर्टिकुलर किसी के बारे में नहीं बोलूंगा, ये जो कम्युनिटी है जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है इन बेचारों के साथ सबसे ज्यादा गलत होता है। जब ये जा रहे होते हैं किसी एमबीबीएस के पास या किसी एमडी के पास या किसी सर्जन के पास, जब जाके ये काम कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, काम करते हैं, इनकी सैलरी बिल्कुल ही मिनिमम होती है। इस वजह से होती है कि उनको पता होता है कि तुम काम सीखने के लिए आए हो, उनको एडिक्वेट पैसे दिए जा सकते हैं ना। उनको क्या जरूरत है हेल्थ केयर प्रोवाइड करने की, कोई जरूरत नहीं है उनको, अगर उनको उनका उनकी उनकी मजदूरी मिल जाए, राइट। सो वहां पे तो आप उनको वो चीजें प्रोवाइड कर नहीं रहे हो। उसके बाद जब तक वो किसी एमबीबीएस और एमएस के पास रहेगा उसको बोलेंगे कि तुम इंजेक्शन लगा दो, तुम बोतल लगा दो, सब कुछ। जैसे ही उस एमबीबीएस के बाहर आया और किसी को उसने पैरासिटामोल दिया, उसके बाद वो झोला छाप बन गया। कैसे बन गया सर? सही तब तक जब तक आपके पास वो काम कर रहा था आप सारे काम करवा रहे थे, आप अपनी क्लिनिक में नहीं गए, फोन कर दिया, सारा काम आपने करा दिया। सो एक बार वहां पे शोषण हुआ उनका, जब एक बार छोड़ के सब कुछ वो किसी जो सर्टेन ऐसे ड्रग्स जिसका साइड इफेक्ट नहीं है और ओटीसी ड्रग्स हैं उसके साथ अगर वो समाज में कुछ सेवा करना चाहता है तो कुछ अधिकारी आ जाते हैं। और फिर मैं तो कहता हूं मेरे स्टूडेंट से कोई अधिकारी मांगे मैं देने को तैयार हूं, कोई मांग के दिखाए पैसा मैं तैयार हूं देने के लिए। है किसी के अंदर हिम्मत? किस अधिकारी में हिम्मत है कि जो आएगा और हमसे पैसा ले लेगा? मैं देखना चाहता हूं। सी द पॉइंट इज मैं ये कहना चाहता हूं कि जो दूसरी भी एजुकेशन बॉडी है उनको भी इसी तरह से अपने स्टूडेंट को सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करना बहुत जरूरी है बिकॉज वो जो लोग हैं वो जाहिर सी बात है कि इतने ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है। हाँ। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो इतने ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है क्योंकि बहुत से कॉलेज खुल गए हैं, बहुत सी सी वो प्रॉपर करा भी नहीं रहा है। प्रॉपर नहीं कराना ये उनकी ये उनकी बात है। अब मेरे पास लोगों के फोन आते हैं, हो सकता आप भी मेरे से क्वेश्चन पूछे कि फलानी जगह तो 10,000 रुपए में करा रहे हैं जी, आपके पास इतनी फीस है फीस क्यों ज्यादा है? क्यों ज्यादा है? सी आप जो देते हो, आप एक शर्ट खरीदना है बाजार के अंदर 100 रुपए का भी शर्ट है, 2,000 का भी शर्ट है सर। सो क्वालिटी मैटर्स। आप हमारा और एक स्टूडेंट का रिलेशनशिप जो बनता है वो 2 दिन के लिए नहीं कि आपने कोर्स कर लिया, हमारा रिलेशनशिप लाइफ टाइम के लिए होता है। अगर हमारे स्टूडेंट के साथ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है इन लाइफ के बाद वो अपना क्लिनिक चला रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, सपोर्ट क्या वो तो सही जगह पे है ना, उसमें कुछ गलत कर ही नहीं रहा है। बट अगर उसको कोई पत्रकार हो या कोई अधिकारी हो अगर उसको परेशान करने की कोशिश करेगा या उससे पैसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो फिर वो पीछे है हम आगे हैं। We never allow कि कोई भी पर्सन जाएगा और हमारे किसी स्टूडेंट को थ्रेट करेगा। मतलब हमने थ्रेट मतलब कि हम करते हैं, हमने किया है, हमने किया है और हमने ऐसे किया। मद्रास के 3 स्टूडेंट थे हमारे पास से जब जाके करके गए और वहां पे उनको जब नहीं दिया गया, जब एनओसी के लिए मना कर दिया, ड्रग इंस्पेक्टर बोला कि नहीं ये तो चलेगा ही नहीं यहाँ सर्टिफिकेट, हमने कहा कोई बात नहीं, हमने एप्लीकेशन मूव किया। एप्लीकेशन मूव करने के बाद में उन्होंने बिल्कुल शांत हो गए, वो रिप्लाई नहीं आई। हमने दोबारा उसको रिमाइंडर दिया, तीसरी बार हमने रिमाइंडर दिया एंड एट द एंड ऑफ द डे हमने कहा कि
ठीक है जी, उन्होंने हमें लिख के दे दिया कि नहीं, हम ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। मद्रास के मदुरई बेंच में हमने पिटीशन फाइल करी अपने तीन स्टूडेंट के बिहार। एप्लीकेंट हमारे स्टूडेंट थे, बट बिहाइंड द सीन हम थे, पैसे हमारे गए, मतलब कॉलेज की तरफ से गए, बिकॉज हमारे स्टूडेंट थे, भुक्तभोगी तो हमारे स्टूडेंट थे ना, तो जो भुक्तभोगी होगा वही जाएगा कोर्ट के। सही बात। तो एप्लीकेंट हमारे स्टूडेंट गए और वहां से कोर्ट के थ्रू उनको मिला। तो द पॉइंट इज कि जब आप एक राइट फुटिंग पे हो, जब आप खुद सही हो, तो कोई आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, कोई मतलब नहीं बनता। स्टेट लेवल पे अलग अलग रूल्स और पॉलिसी रहती है। सर 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 ये इंडिया है सर। तो सर ये इंडिया, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं द पॉइंट इज कुछ नहीं डरते हैं लोग, उनको डराया जाता है, जबरदस्त उनको धमकाया जाता है, और उनको जरूरत क्या है सर, आपके बच्चे को कोई भी धमका सकता है। हाँ। लेकिन बच्चा अगर आपके पास पावर है, आप तो अगर राइट फुटिंग पे हो, आप अपने बच्चे के पीछे खड़े हो, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके बच्चे को तो कोर्ट तक का सपोर्ट कर देते हैं ना। कोर्ट तक का सपोर्ट जरूरत ही नहीं होती है, लेकिन जिस केस में अगर जरूरत होगी, फॉरगेट अबाउट कोर्ट, जहां तक जिस तरह जिस जगह पे जिस लेवल पे जरूरत पड़ेगी, हम अपने स्टूडेंट के साथ होंगे, बिकॉज हम समझते हैं कि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही बात, सही बात। क्योंकि कोर्स करने के बाद कोई नहीं जानता कि तुम कौन हम कौन, लेकिन आपका सर सर एचसीटीएम की बात मैं कर सकता हूँ। सी आपकी बात सही है, मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि आप पर्टिकुलर हमसे, आप अगर हमारे किसी स्टूडेंट की किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, देन यू कैन से यस ऑफ कोर्स। मैं एक चीज एडमिट करूंगा, एक दो केसेस ऐसे आए हमारे स्टूडेंट के जहां पे एनओसी का मामला, हमने उसको निकालने की ऑल दो कोशिश करी। अब अगर आप मेरे को एक सर्टिफिकेट दे रहे हो सपोर्ट में, आपने कहा कि ये मेरा सर्टिफिकेट है जी, और 12वीं का सर्टिफिकेट आपका गलत निकलेगा, हु विल सपोर्ट यू सर, कौन करेगा? आप 10th के बेसिस पे कर लो सीएमएससी पे, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट आपको राइट फुटिंग पे होना है, जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरा कीजिए, अपने कोर्स कंप्लीट कीजिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लीजिए और अपना काम करो सर। वेयर इज द प्रॉब्लम? वैसे फी स्ट्रक्चर क्या रहता है आपके कॉलेज का? सर फी स्ट्रक्चर डिफरेंट कोर्सेज के डिफरेंट होते हैं। एक्चुअली हमारे पास डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज हैं। कोर्सेज भी बताइए तो आप कोर्सेज क्या क्या हैं आपके पास? बेस्ट कोर्स कौन सा? सी द पॉइंट इज बेस्ट कोर्स हम डिसाइड नहीं करते हैं, बेस्ट कोर्स स्टूडेंट डिसाइड करता है जिसको जरूरत है। बट अगर आप एम्फसाइज करेंगे तो सीएमएसईडी उन लोगों के लिए जो डीएनवाईएस है, और डीएनवाईएस के बाद बीएनवाईएस है, ये सब सारे लैब टेक्नीशियंस का भी है, टूल्स का भी, उसके भी ठीक ठाक स्टूडेंट्स हैं। और बट डिफरेंट कोर्सेज के फी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। हाँ, तो ये सीएमएसई का बता दो आप दोनों, उसके लिए हम आए हैं। मैं एक बात बताऊं, अभी फिलहाल जब अभी आप आए हैं अभी के टाइम में, सो एज ऑफ नाउ वी आर चार्जिंग 42,000 रुपीज पूरे दो साल के लिए, राइट? दो साल का 42,000, एंड एडमिशन के टाइम पे 12,000 रुपीज देना होता है स्टूडेंट को, एंड 10,000 रुपीज देने होते हैं एवरी सिक्स मंथ, राइट? हर छह महीने में आप 10,000 रुपए लेते हो एडमिशन के टाइम पे से 12। हाँ, यस। हमारी जो फैसिलिटी है, स्कॉलरशिप वगैरह का कुछ है क्या? सर स्कॉलरशिप इसके कैटेगरीज हैं। सी हमारा एक यूट्यूब चैनल है एचसीटीएम दिल्ली, हम वहां पे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, और हम ये करते हैं कि अगर कोई गरीब है और वास्तव में अपनी फंडिंग नहीं कर सकता, रियल प्रॉब्लम है, तो फ्री में आके करे ना, फिर किस बात का? अगर इफ आप कॉम्पिटेंट है, 42,000 कोई ज्यादा नहीं, आपको पे करना चाहिए सर, आप हमें फीस देंगे तो हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप समझना बात को, हम सर्विसेज तो तभी दे पाएंगे, टाइम को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, तो वो चीज है, अगर फ्री में, अगर आप फ्री में आ रहे हैं, हम आप मोस्ट वेलकम, आप आ जाओ। किस बात के लिए? अगर किसी को प्रॉब्लम है, और रियल प्रॉब्लम है, मदर नहीं है, फादर नहीं है, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, आपका मोस्ट वेलकम है। सी ऐसे लोगों के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे यहाँ रहते हैं, फ्री में खाना खाते हैं, फ्री में रहते हैं, और हम उनसे कुछ काम करा लेते हैं, वो उनकी भलाई के लिए काम वो सीखते भी, दैट इज अनदर इशू। बट यस ऑफ कोर्स ऐसे है कि फ्री में कोर्स करा रहे होते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे बोलोगे कि 42,000 में आप क्या कोई किसी तरह का स्कॉलरशिप है फॉर द पर्पस ऑफ, कि मैं बोलूं कि नहीं, वो तो एक तरह का डिस्काउंट हो गया फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग एडमिशन, हमें नहीं, हमें मतलब स्कीम नहीं आता है। वो जो इस तरह की स्कीम्स आती है एचसीटीएम के पास में, वो स्कीम तो फिर वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होगी, तो वो तो फ्री में होगा, राइट? वो तो फ्री में होगा, उसमें हमारा कोई रोल नहीं बनता है। बट हमारे पास कोई आ रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सीएमएस एंड एडी, तो हमारी फीस इतनी ही है, एंड मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ कि आगे भी फीस इतनी ही रहेगी, हो सकता है कल को रिवाइज हो जाती है फीस, तो फीस वही रहेगी। कोई कहता है मैं तो एडमिशन ले लूंगा, मुझे 2,000 रुपए कम कर दो, 2 रुपए कम नहीं होंगे सर। एडमिशन लेना है तो आइए, नहीं लेना है तो मत आइए, आपका पैसा है, आप कहीं आग लगा दीजिए, कहीं जाके और कीजिए, हमें मतलब नहीं। बट अगर आपके साथ कोई नहीं, यस वही मेन प्रॉब्लम है, सस्ते में इस चक्कर में वो लाइफ कर लेते हैं। लाइफ, सी द पॉइंट इज, फ्यूचर आपका कहाँ है?
हमें कोर्स क्यों करना है, कोर्स की हमें जरूरत क्यों है आपकी, और फिर कोर्स की जरूरत वो नीट पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है जहां से भी आप कर रहे हैं, दैट इज द मेन थिंग। अब आप कहोगे आपने कोर्स कर लिया, पैसे बचा लिए, आज के लिए इमीडिएट आपको फायदा हो गया, बट कल को अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई फिर आप सीएमओ आ रहा है बंद करके भाग रहे हो, तो क्या मतलब सर आपकी फिर समाज में और लोगों के बीच में क्या रेपुटेशन रहेगी बंद करके भागना पड़ रहा है, तो आप बताइए। मैं एक लास्ट क्वेश्चन ये है, मैं समझ गया आपकी बात। कुछ स्टूडेंट की ये डिमांड है कि वो नॉन अटेंडिंग करना चाहते हैं, वो नहीं आ सकते हैं। सर मैं आपको बिल्कुल नॉन अटेंडिंग नहीं होता, नॉन अटेंडिंग इन द सेंस कि ऑफलाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन करना चाहते हैं। मैं आपको फैसिलिटीज अभी दिखा देता हूँ कि कैसे हमारे किस तरह के क्या क्या क्लासरूम है वो मैं दिखा देता हूँ, एंड हम किस तरह से क्लासेस कंडक्ट करते हैं और फिर क्या फर्दर करते हैं, चलते हैं आपको मैं दिखा देता हूँ और फिर वहां पे बाकी के जो आपके डाउट्स होंगे वो भी क्लियर कर लेंगे। सारी चीजें मेरे ख्याल में आप बता चुके हैं और अपन और देखेंगे आगे आपकी क्लासरूम में देख लेते हैं। जरूर जरूर प्लीज 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 चलते हैं। ये है यहाँ पे स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हो? बिल्कुल, ऑफकोर्स। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि क्लासेस यहाँ से कंडक्ट होते हैं हमारे जी, स्लाइड्स आते हैं, स्लाइड्स के साथ थ्रू पढ़ा देते हैं, सामने भी है, यहाँ पे कैमरा होता है, इस तरफ कैमरा होता है और वो सारी चीजें रिकॉर्ड करता है एंड वो रियल टाइम फीड करता है उनके मोबाइल पे, उनके पास लिंक होता है हमारे स्टूडेंट्स के पास ऑनलाइन बैचेस के पास और रियल टाइम फीड होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या जिनके पास में टाइम नहीं है, उनको हम रिकॉर्डेड वीडियो शेयर करते हैं उनके साथ, राइट। सो क्योंकि सी द पॉइंट इज सारी इंफॉर्मेशन बाजार के अंदर उपलब्ध है, किताबें उपलब्ध है, बट हमारे लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है कि हमें सिलेबस कवर करना है, हमने सिलेबस कवर करा दिया अपने स्टूडेंट का। सो दैट इज वाई जो लोग नहीं आ सकते उन लोगों के लिए ऑनलाइन और डायरेक्ट जो क्लासेस चल रही है सेम क्लासेस उनको डायरेक्ट मिल गया, अगर उनको फोन पे मिल गया, अगर वो लाइव उन्होंने ज्वाइन कर लिया वेल एंड गुड, अगर वो लाइव ज्वाइन नहीं कर पाते हैं सो इन दैट कंडीशन फिर उनको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है। एक क्वेश्चन और था मेरा जो बहुत इंपॉर्टेंट था पूछना, मैं आपसे भूल गया था, मुझे याद आया एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है यहाँ पे। सी बाकी मैं यही आपसे बोलना चाहूंगा कि बाकी के जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या करते हैं, वो जनरल उनका जो तरीका होता है कि पूरे साल एडमिशन ले रहे हैं जी, पूरे साल एडमिशन स्टूडेंट हमसे भी यही उम्मीद करते हैं, हमारे पास भी कॉल करते रहते हैं एडमिशन हो रहा है क्या, बाकी की चीजें हो रही है। अच्छा, जो, जो 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 चीज है मैं एक बात क्लियर करूं, सो क्या होता क्या है कि उनकी फीस कम है, उनका काम ही अलग तरह का है, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास जो भी स्टूडेंट आए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम कम रखते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम इसलिए रखते हैं ताकि उनको बेटर सर्विसेज दे सके, बेटर ट्रेनिंग दे सके, बेटर तरीके से उनको ग्रूम कर सके, राइट, ताकि वो जाके समाज में जब जाएं और अपनी प्रैक्टिस करें तो लोगों का जान बचाने वाला बने ना कि जान लेने वाला बने, राइट। सो दैट इज वाई हमारी फीस इसी वजह से ज्यादा होती है, हम साल में केवल दो बार एडमिशन ले रहे होते हैं, दिसंबर में एडमिशन लेते हैं फॉर द जनवरी सेशन एंड मई में लेते हैं, मई जून में लेते हैं फॉर द जुलाई सेशन। सो मई जून में लेते हैं फॉर जुलाई सेशन। ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, अब वो आपको फोन लगाता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, ये भी एडमिशन वाले बच्चा अगर कोई भी करता है वो हमारे सारे जो लोग हैं एक्सपर्ट, मैं बात सुन लीजिए, ये आप ऐसे शूट कर रहे हैं और मैं एग्री नहीं करूंगा, इसलिए एग्री नहीं करूंगा मैं बताता हूं, जो बच्चा भी एडमिशन ले लेता है हमारे पास हमारे सारे सिस्टम के अंदर उसका डायरेक्ट जो मोबाइल नंबर है कॉन्टेक्ट नंबर है वो फिट हो जाता है। सपोज हमारा कोई स्टूडेंट अगर कॉल कर रहा है प्रोबेबिलिटी, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी किसी का कॉल आएगा तो शायद प्रोबेबिलिटी मैं नहीं लूंगा, तो इस तरह से अगर मैंने कभी कोई कॉल नहीं कॉल बैक करते हैं नंबर वन। नंबर टू, अगर कोई हमारा स्टूडेंट है रात के 12 बजे भी कॉल करे और अगर हम सो नहीं रहे होंगे तो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज द थिंग। आपने शूट किया मैं समझ गया बात, हमारे स्टूडेंट के साथ ही प्रॉब्लम नहीं हो सकती, अधिकतर यही कर रहे हैं कॉलेजेस, वो फीस ले रहे हैं। सर 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 उसकी जिम्मेदारी है, इस बात को समझे, मैं किसी और के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। सही बात, राइट। मैं बोलूं कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले ऐसा करते हैं, सर आप उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। कैसे मैं वही कहना चाहता हूँ, हमारे बारे में अगर किसी का राइट है तो हमारे स्टूडेंट का राइट है, सही बात, एंड हम ये मानते हैं
कि हमारे स्टूडेंट का राइट एक दिन दो दिन के लिए नहीं है, लाइफ टाइम के लिए है उसका। उसने हमें खरीद लिया है, अगर उसने फीस हमें दिया है तो हमारी ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे स्टूडेंट, और इस चीज को हमारा एक एक स्टाफ इस बात को समझता है। बट द पॉइंट इज कि आप ये बात बोल सकते हैं कि अगर कोई अप्रैल में आएगा और वो ये सोचेगा कि हमारे यहां एडमिशन ले ले, इट इज नॉट पॉसिबल सर। HCTM के अंदर एडमिशन लेना इतना भी आसान नहीं है कि आपके पास अगर पैसा है और आप मेरे को बोलो कि 42,000 है और मार्च के महीने में मेरे को आप आ जाओ मेरे पास एडमिशन लेने के लिए, इट इज अ बिग नो। आपको नहीं 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 क्वेश्चन मिलेगा सर, आप मायने नहीं रखते आपके पैसे। द पॉइंट इज कि अगर मैं कोई चीज आपको दे सकता हूं, लोग ऐसे ही कर रहे हैं, पैसा ले लेते हैं। हाँ, ये HCTM में नहीं होता, ये HCTM में नहीं होता, एंड दैट इज द मेन थिंग सर। बाकी लोगों से हम डिफरेंट हैं और तभी तो ये बात शिकायतें आ रही हैं। अदरवाइज आप किसी एक इंस्टीट्यूशन में जाओ, किसी को एक बार फोन करो इंक्वायरी के लिए, आपको वो 10 बार करेंगे कब आ रहे हो सर, ले लो एडमिशन। HCTM आज तक कभी तक किसी को कोई बैक कॉल करने का कोई प्रोविजन ही नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है? हमारे पास ऑलरेडी हम ओवर सब्सक्राइब हैं, हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं जी, ये एक तो ये दिल्ली में, तो सारे स्टूडेंट दिल्ली से नहीं हो सकते, बाहर से भी आएंगे लोग, तो उनके लिए कुछ उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हॉस्टल में किस तरह से है। तो ये सोच के डर जाता है। मैं अभी आपको दिल्ली में बिल्कुल मैं आपको ले चल के दिखाऊंगा। उनके लिए तीन तीन बंदों के लिए शेयरिंग में कमरा है, अच्छा अच्छा, और कॉमन वॉशिंग मशीन है, उनको सर्फ खुद का यूज करना होता है, मतलब पूरे ब्रेकफास्ट लंच डिनर देने होते हैं। हमारी अपनी लाइब्रेरी है, अच्छा, टेलीविजन लगा के रखा है उन लोगों के लिए, बट टेलीविजन का टाइम है कि आपको कब देखना है। वाईफाई देते हैं, अच्छा, क्लासरूम में भी वाईफाई है, यहाँ भी वाईफाई है, प्लस बाकी की जगह है, यहाँ भी क्लासरूम क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, नारायण बिल्डिंग द्वारका में भी क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, द्वारका में नहीं, बिल्कुल मैं लेके चलूंगा, सेम 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 बॉडी राइट, तो वहां भी है, आपको लैब भी ले चलूंगा, वहां भी लैब में बैठाना, लैब भी दिखाऊंगा। नहीं बट आप अगेन नहीं आप सारे डाउट्स क्लियर कर दें, नहीं बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं उनको सीएमसीडी के लिए आप कुछ बोलिए, क्योंकि हम इसलिए आपसे मिलने आते हैं जो भी क्वेरीज हम नहीं, मैं ये बोलना चाहूंगा और बिल्कुल थैंक यू वेरी मच। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा अपने स्टूडेंट्स को कि इस अपने लाइफ को जुआ ना बनाए। आपकी जो लाइफ है उसको जुआ ना बनाए। आप थोड़े से पैसे बचाने के लिए ऐसी जगह पे जाते हो और ऐसी जगह पे कोर्स करते हो और बाद में जो प्रॉब्लम आती है तो वो सर्टिफिकेट आपके काम नहीं आ पाता, राइट? सो देख के सोच के समझ के, मैं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं आप आ जाओ HCTM में आके करो, नो, हम ओवर सब्सक्राइब हैं, जो सारे लोग जितने लोग चाहते हैं हम नहीं दे पाते उनको एडमिशन। बट आप थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा रिसर्च करो, ऐसा नहीं है कि आपको कोई बैकडेटेड बोल रहा है कि जी मैं दे दूंगा और मैं कर दूंगा, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, लाइफ को जुआ बनाने की जरूरत नहीं है, और कॉम्पिटेंट बनिए, चीजों को सीखें और फिर बेटर तरीके से समाज में लोगों की जान बचाने वाला बने। थैंक यू वेरी मच। आपने मैंने उनसे जो भी पॉसिबल क्वेश्चन थे सारे कर लिए हैं और आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों, ठीक है? तो अगर आपको सीएमएससी करना है तो जरूर से करो, लेकिन सही कॉलेज से करें, और हो सके तो आप यहीं से कर लें, HCTM से, HCTM से, और दिल्ली में है और बहुत सारी फैसिलिटीज आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है? और कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे शो हो रहा होगा, आप जरूर से एडमिशन के लिए कॉल करें, और बस यही कहना चाहूंगा। और वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना, सब्सक्राइब करना है और एडमिशन लेना है सीएमसीटी के लिए, ठीक? मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।